तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ये जो कोरोजन है यानी कि स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स है एयर और मॉइस्चर के कारण, इसको कैसे आप रोक सकते हो? तो इसका कारण है एयर और मॉइस्चर, उसको रोक दोगे तो मेटल बच जाएगा, वो इकट्ठे काम ना करने पाए। तो कुछ मेथड्स इन में दिए हुए हैं, जैसे कि ऑयलिंग है, जो मेटलिक ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं उन पर ऑयल की लेयर आप चढ़ा दो, ऑयल की लेयर उनके ऊपर लगा दो। जैसे घरों में आपने देखा होगा, खासकर गांव में, जो मेटलिक आइटम्स हैं जैसे कि छत पे गार्डर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, या और कोई इंस्ट्रूमेंट हैं खेतीबाड़ी के, एग्रीकल्चर के, उनके ऊपर भी। तो वो वही कारण होता है कि जब ऑयल की लेयर आएगी, ये अपना मेटलिक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ऑयल लगा दिया आपने, तो एयर और मॉइस्चर इसके कॉन्टैक्ट में मेटल नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा तो उसमें कोरोजन नहीं होगा। इसी तरह जैसे ग्रीजिंग, तो जो ग्रीस होता है, लुब्रिकेशन, जो ग्रीस वगैरह है वो आप अप्लाई कर देंगे मेटलिक सरफेस के ऊपर, तो भी वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और कोरोजन नहीं होगा। इसके अलावा एक मेथड है गैल्वेनाइजिंग। तो क्या करते हैं, जैसे आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जिंक, ये मेटल है, इसकी लेयर चढ़ा देते हैं, तो इसको गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं या गैल्वेनाइजेशन, कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम जिंक की लेयर कोटिंग कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो उसको हम गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। फिर क्या होगा, जैसे एयर मॉइस्चर आएगा तो रिएक्ट करना होगा, तो जिंक ऊपर है इसके साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ये मेटल का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मान लीजिए आयरन का ऊपर जिंक की लेयर है, तो जो भी आएगा एयर मॉइस्चर पहले तो जिंक से उसको रिएक्ट करना पड़ेगा, जिंक से रिएक्ट करेगा तो फिर नीचे वाला आयरन फिर बच जाता है इससे। नेक्स्ट मेथड है अलोइंग, अलोय बनाना। अलोय क्या है हिंदी में, जिसको आप कहते हैं मिश्र धातु, मींस किसी भी मेटल के अंदर आप दूसरा मेटल मिलाएं या नॉन मेटल मिलाएं, उससे जब आप इनकी मिक्सिंग करेंगे तो अलोय तैयार हो जाएगा। जैसे कि स्टील है, तो स्टील एक टाइप का अलोय है जिसमें आयरन है और कार्बन है। अब जैसे और भी बहुत सारे अलॉयज हैं, जैसे ब्रास है, तो ब्रास क्या है, कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का अलॉय है, दोनों से मिक्स करके बनाया जाता है। इसी तरह जैसे ब्रोंज है, ये मेन इसमें कॉपर होता है, दूसरा फिर टिन, एल्यूमिनियम, ये दूसरे मेटल्स इसमें मिलाए जाते हैं। इसी तरह जैसे सोल्डर है, ये जैसे लेड है, टिन है, इनसे मिक्स होकर बनता है। तो बहुत सारे क्या होते हैं, अलॉयज होते हैं। तो अलॉयज बनाकर भी आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर जो इसके प्रति सेंसिटिव हैं, अब देखो कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो सेंसिटिव नहीं हैं, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड का कोरोजन बहुत कम होता है, ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल है। तो अलॉय में क्या होगा, आप जब मेटल्स को मिलाएंगे तो उन पर इफेक्ट कम होगा एयर और मॉइस्चर का। इसके अलावा जैसे कि एक और मेथड हो सकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाएगा। ये बहुत लंबी कहानी है जो प्लस वन टू में ही आपके समझ में आएगी जाकर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाकर होता इसमें भी यही है कि केमिकल्स को एक लेयर के रूप में ऊपर चढ़ाया जाता है, जो भी मेटल है इसके ऊपर, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लेते हैं, कैथोड, एनोड, इस तरह बना के, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेटिंग का मतलब उसकी जो लेयर है वो उसके ऊपर लगाई जाती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के लास्ट में कुछ बिल्कुल आसान सी बातें पढ़ते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेज हैं। तो मेटल्स के यूजेज आप डेली लाइफ में देखते ही हैं, बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, विंडो के फ्रेम्स आप देखते होंगे घर में, ऑफिसेज में होते हैं। इसके अलावा इसकी फॉयल्स होती हैं एल्यूमिनियम की, जिसमें पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, फूड आर्टिकल्स या आपकी चॉकलेट्स या दूसरी चीज़ें। गोल्ड, सिल्वर है, इनका यूज़ ज्वेलरी के रूप में किया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं, गहने जो भी ज्वेलरी आइटम्स हैं वो गोल्ड सिल्वर के बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्लेटिनम एक मेटल है, तो कुछ मेटल्स हैं जिनका ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आयरन। अब आयरन तो हर जगह है, चाहे आप किसी व्हीकल की बात करें,
चाहे वो आपकी साइकिल है यहाँ से लेकर, आपकी कार है, बस है, ट्रक है, जितने व्हीकल्स हैं आयरन से बनते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के जो भी मटेरियल्स हैं, जैसे कि जो आयरन रोड्स होती हैं वहाँ पर आयरन तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मशीन्स आपकी वो बनी हुई हैं। इसके अलावा आयरन बॉडी में भी इम्पोर्टेंट अभी आ जाएगा, अपने शरीर में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिक वायर्स बनाई जाती हैं। अब जैसे घरों में जो फिटिंग होती है उसके अंदर कॉपर की वायर होती है, ये जो ऊपर बाहर बाहर आपको दिखाई देता है ये तो प्लास्टिक है, पीवीसी वगैरह हैं, रबड़, इस टाइप की चीज़ें हैं, जो अंदर जो वायर हैं वो तो कॉपर की वायर हैं। तो ये अच्छे कंडक्टर हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इलेक्ट्रिक वायर्स, क्योंकि अच्छे कंडक्टर हैं तो इलेक्ट्रिक वायर्स भी इनकी बनाई जाती हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन मेटल्स की। टिन है तो टिन के बहुत सारे कंटेनर्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में टिन यूज होता है। इसके अलावा आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये कुछ ऐसे हैं जो मेटाबॉलिज्म में यूज़ होते हैं, मींस अपनी बॉडी में। मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको मिलाकर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये फिर से दो टाइप का है, एनाबोलिक रिएक्शंस और कैटाबोलिक रिएक्शंस। ये आप बायो में आगे जाकर पढ़ेंगे। एनाबोलिक जिसमें कुछ नई चीज़ बनती है, और कैटाबोलिक में जिसमें कुछ टूटता है, जो कम्प्लेक्स है वो सिंपलर में टूटता है। तो और सम टोटल सबका जितनी भी रिएक्शन है जो अपनी बॉडी में हो रही हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये मेटाबॉलिज्म में भी बहुत यूज़ होते हैं, अपनी बॉडी में पाए जाते हैं। अब आयरन तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अपने शरीर की जो भी सेल है, जो कोशिका है, वो ऑक्सीजन से ही तो जीवित रहेगी, और ऑक्सीजन उसको कौन दिलाएगा, उसमें इम्पोर्टेंट रोल है आयरन का। क्योंकि अपने ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये कंपाउंड बनाता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बन गया, लेकिन ये बॉडी की हर सेल तक पहुंचना चाहिए। तो ब्लड का तो काम ही है ट्रांसपोर्ट करना, पूरे शरीर में वो घूमता रहता है और उसके अंदर ये भी है, तो इसको ले जाने का काम करता है आयरन। तो आयरन आप ये माने इस हीमोग्लोबिन के लिए एक गाड़ी है, एक व्हीकल, इसकी कार है ये, इसमें बैठ कर जाएगा। तो आयरन क्या करेगा, कितने मॉलिक्यूल, फोर मॉलिक्यूल, फोर एटम्स कह लो आप, फोर एटम्स आयरन के होंगे वो इसके लिए कैरियर का काम करेंगे, इसको बिठाएंगे और पहुंचाएंगे। ये जहाँ भी जाएगा, HBO2 गया सेल के पास, ये कोई सेल है, इसको कहेगा बोल भाई क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन इसको दे देगा। ये कहेगा कुछ देना है तो दे दे, मैं जा रहा हूँ बाहर। अब ये CO2 इसको दे देगा, यही तो होता अपने शरीर में, O2 इस सेल को दे दी और CO2 इसने ले ली, ये फिर ला के लंग्स को देता है, लंग्स उसको बाहर करते हैं, इस टाइप का प्रोसेस चलता है। तो आयरन का इम्पोर्टेंट रोल है अपनी बॉडी में भी। नॉन मेटल्स की बात करें तो ये भी बहुत यूज़फुल हैं, जैसे ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन ही अपनी लाइफ लाइन है। तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, इससे हम जीवित रहते हैं, यानी कि ब्रीदिंग में ये काम आता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वाटर का फार्मूला है H2O, एच हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। अब जल ही जीवन है, वाटर के बिना भी काम नहीं चलेगा। तो ये भी दो नॉन मेटल से मिलकर बना है, तो नॉन मेटल्स की भी देखो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन से बहुत सारे कंपाउंड, जैसे NH3 अमोनिया गैस है, ये बनाई जाती है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ होगी बनाने में। इसके अलावा HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसमें है, बहुत सारे हैं, असंख्य हैं। तो नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन यहाँ तक कि जो आपने देखा होगा टायरों में जो हवा भरते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन होती, लिखा हुआ होता है भाई इसे कोरोजन कम होता है, जो सर्टिफाइड कंपनी है वो नाइट्रोजन एयर को ही डालते हैं। तो नाइट्रोजन का भी बहुत ज़्यादा रोल है। फॉस्फोरस है, जिसे आप मैच स्टिक्स वगैरह के ऊपर जो होता है, माचिस की तिल्ली के ऊपर है, वो फास्फोरस है। इसके अलावा कुछ विस्फोटक हैं,
क्रैकर्स वगैरह होते हैं जो पटाखे हैं, उनमें भी फास्फोरस यूज होता है। फर्टिलाइजर्स में भी, जैसे कि आप नॉर्मली जो सुनते हो जैसे DAP है तो फास्फोरस यूज होता है। नाइट्रोजन का, जैसे कि आप कहते हैं यूरिया है, यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन है। अब डायमंड है, डायमंड क्या है, कार्बन की एक फॉर्म है, डायमंड यानी कि कार्बन ही है, उसका एक रूप है। तो डायमंड है तो डायमंड से कीमती तो क्या होगा, देखो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा चमकने वाला है और महंगा, और ज्वेलरी में तो डायमंड है ही, तो ये भी एक नॉन मेटल है कार्बन। क्लोरीन है तो क्लोरीन से इम्पोर्टेंट जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बनाया जाता है। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइनफेक्ट करने के लिए यानी कि साफ करने के लिए क्लोरीन जो है ये साफ करने का एक एजेंट माने आप, तो डिसइनफेक्ट करने के लिए भी वाटर को हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सल्फ़र है तो सल्फ़र में जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो ये कुछ मेन बातें हैं कि मेटल्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और नॉन मेटल्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं।